अस्सलामुअलैकुम, दिस डॉक्टर अफशीन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट मेनली यूनियन होता है दो बोन्स के दरमियान, ठीक है। दो बोन्स जब आपस में मिलती हैं तो उसको हम कहते हैं कि जॉइंट। अब जॉइंट्स के हमने ये लास्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आज क्विक रिव्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर जो हमारे जॉइंट्स की टाइप्स रह गई थी उसको मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर करें तो मेनली हम दो क्लासेस में करते हैं, जैसे सिनार्थ्रोसिस और डायआर्थ्रोसिस। सिनार्थ्रोसिस ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें कैविटी नहीं होती और डायआर्थ्रोसिस में कैविटी होती है, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब जिनमें कैविटी नहीं होती उनको फर्दर हम डिवाइड करते हैं फाइब्रस और कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स में। अब फाइब्रस कौन से होते हैं, जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं दो बोन्स के दरमियान में, ठीक है। जॉइंट्स के बिटवीन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, ठीक है। कार्टिलेजिनस में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है दो बोन्स के दरमियान। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बोन्स जो हैं हमारी जब बनती हैं, बोन की ऑसिफिकेशन होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टिलेज का मॉडल बनता है, ठीक है, मॉडल बनता है और उसमें ऑसिफिकेशन होती है, वो मॉडल रिप्लेस होता है बोन से, तो कुछ ना कुछ कार्टिलेज रह जाता है दरमियान में, तो ऐसे जॉइंट्स को हम कार्टिलेजिनस कहते हैं। देन हमारे पास फाइब्रस आते हैं, फाइब्रस को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं थ्री कैटेगरीज में, ठीक है, सुचर्स, सिनकॉन्ड्रोसिस और गोम्फोसिस। अब जो सुचर्स थे ना, सुचर्स ऐसे हैं जिसमें जैसे हमारे स्कल में है, ठीक है, स्कल में होते हैं मोस्टली, होते ही स्कल में है सुचर्स, ठीक है। तो दो बोन्स के दरमियान जब मिनिमल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होगा, बहुत कम सा होगा, और ये बोन जो है पहले फाइब्रस जो है कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर ये रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अब जो सुचर्स हैं, सुचर्स जो बेबी होता है ना, जब फीटस पैदा होता है, ठीक है, उसके बाद जब तक एडल्ट फॉर्म में नहीं जाता तब तक ये सुचर मूवेबल होते हैं, ताकि हमारे ब्रेन की ग्रोथ होती रहे अंदर, ठीक है। जब ये सुचर क्लोज हो जाते हैं, बिल्कुल बोन्स एक दूसरे के करीब बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाती हैं, तब क्या होता है कि सुचर्स जो है इमूवेबल हो जाते हैं, सुचर में मूवमेंट्स नहीं होती इन जॉइंट्स में, ठीक है। आप फर्दर टाइप्स देखते हैं, सीरेट सुचर होते हैं, डेंटिकुलेट सुचर होते हैं, स्क्वीमस सुचर होते हैं, और साथ में प्लेन सुचर्स होते हैं। सीरेट सुचर कौन से होते हैं, सीरेट हमारे स्कल में है जिनमें दो बोन्स की जो एजेस होते हैं वो सॉ लाइक होते हैं, जैसे कि हमारे स्कल में एक एग्जाम्पल है सैजिटल सुचर की, ठीक है। फिर डेंटिकुलेट सुचर में जो बोन के प्रोसेस होते हैं, एजेस होते हैं, वो टूथ लाइक होते हैं हमारे टीथ की तरह, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल है लैम्डॉइड सुचर की, ये भी हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसके साथ में पिक भी दिखाई हुई है, अगर आपने देखना है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप लोग। स्क्वेमस सुचर में रेसिप्रोकली बिवेल्ड बोन मार्जिन्स होती हैं, यानी कि बोन की जो मार्जिन होती है ना, वो राइट एंगल पर नहीं होती, वो रेसिप्रोकली एक दूसरे के अंदर फिट हो रही होती है, जैसे टेम्पोरो पेराइटल है, ठीक है। फिर प्लेन सुचर आते हैं, प्लेन में सिंपल एपोजिशन होती है बोन सर्फेसिस की, जैसे कि इंटर मैक्सिलरी सुचर, ठीक है, हमारे मैक्सिला के दरमियान। अब ये सारे सुचर्स की टाइप हैं। सुचर के बाद हमारे पास आता है सिनेस्मोसिस और गोम्फोसिस। सिनेस्मोसिस ऐसा जॉइंट है जिसमें ना इंटरोशियस लिगामेंट, दो बोन्स के दरमियान इंटरोशियस मेम्ब्रेन या इंटरोशियस लिगामेंट होता है, ठीक है। जब दो बोन्स होती हैं उनके दरमियान कोई लिगामेंट हो तो उसको, या मेम्ब्रेन हो, उनको इंटरोशियस कहते हैं। जैसे हमारे रेडियस और अल्ना के दरमियान है, टीबियल फिबुला के दरमियान है, तो ये वाले जो हमारे जॉइंट्स हैं ना, टीबियल फिबुलर जॉइंट, या जैसे हमारे स्पाइन में लिगामेंट फ्लेवा, तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं सिंडिस्मोसिस की। गोम्फोसिस ऐसे जॉइंट्स हैं जिसमें एक बोन कॉनिकल प्रोसेस होता है एक बोन का, ठीक है, एक नोक लाइक प्रोसेस होगा वन बोन का, वो फिट हो जाएगा किसी दूसरी बोन के सॉकेट या होल में, जैसे हमारे टीथ हैं, ठीक है, रूट्स ऑफ टीथ ये ऊपर हमारे गम्स के सॉकेट बना रही है और टीथ की जो एक नोक है और वो जाके फिट हो रही है, रूट्स ऑफ टीथ इसकी एग्जाम्पल है। यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था, आज हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में कार्टिलेजिनस को, ठीक है। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पर आप लोगों को बताती हूँ। सो यहाँ पर देखते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी बोन जब भी ओसिफाई हो रही होती है, बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो वो एक टाइप होती है कि इंटर कार्टिलेजिनियस बोन्स फॉर्मेशन, ठीक है, कि कार्टिलेज के अंदर बोन जो है कार्टिलेज को रिप्लेस करके बोन फॉर्मेशन होती है, तो एंड्स पर, बोन्स के एंड्स पर कुछ ना कुछ कार्टिलेज रह जाता है, तो इस तरह के जॉइंट्स को, इनके दो बोन्स के दरमियान जब कार्टिलेज प्रेजेंट होगा तो हम कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहेंगे। अब इसकी फर्दर हम लोग टाइप्स देखते हैं कार्टिलेजिनियस की। कार्टिलेजिनियस की अगर अगर हम लोग टाइप देखें तो एक होते हैं हमारे पास सिनकॉन्ड्रोसिस, ठीक है, सिनकॉन्ड्रोसिस, और दूसरे हमारे पास होते हैं सिम्फाइसिस, ठीक है, सिम्फिसिस कहते हैं या सिम्फाइसिस कह रहे हैं उसको। तो ये हमारे पास मेनली दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो जो सिनकॉन्ड्रोसिस है ना हमारे पास, ये हमारे पास ट्रू जॉइंट्स नहीं होते, ठीक है, टेम्परेरी जॉइंट्स होते हैं। सिम्फाइसिस जो है ये परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। अब मैं फर्दर इनको बताती हूँ कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। दो टाइप्स में हम लोगों ने डिवाइड किया कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स को, सिनकॉन्ड्रोसिस और सिम्फाइसिस। अब सिनकॉन्ड्रोसिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखें कि ये जो
मीडियम होगा ना दो बोन्स के दरमियान यूनाइटिंग मीडियम, वो हमारे पास हेयरलाइन कार्टिलेज होगा। पहली बात इसकी याद रखनी है सिनकोंड्रोसिस की कि यहाँ पे हेयरलाइन कार्टिलेज यूनाइटिंग मीडियम के तौर पर एक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि इस पर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगी। सिनकोंड्रोसिस हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट हैं उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ट्रू जॉइंट्स नहीं होते, ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्प्रेरी होते हैं, ठीक है। टेम्प्रेरी का मतलब ये है कि बाद में ये बोन से रिप्लेस हो जाते हैं ये जॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे तीन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया है, हेयरलाइन कार्टिलेज, नो मूवमेंट्स पॉसिबल और टेम्प्रेरी जॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें एक और बात याद रखें कि इनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं। सिनकोंड्रोसिस वाली टाइप को हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्टिलेजिनियस, जबकि ऑपोजिट जो सिम्फाइसिस है उसको हम सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। ये एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं यहाँ पर सिनकोंड्रोसिस के लिए। अगर हम इसकी एग्जाम्पल्स देखें सिनकोंड्रोसिस की, तो हमारी जो बॉडी में लॉन्ग बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स के एंड पर एक एपिफाइसिस पार्ट होता है एंड वाला, ठीक है। एक होता है डायफाइसिस, एपिफाइसिस और डायफिसिस के दरमियान एक थोड़ा सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो यूनियन हो रही है एपिफिसिस की और डायफिसिस की, इसके दरमियान में जो हमारे पास जिसको एंड प्लेट भी कहते हैं या कार्टिलेजिनस प्लेट भी कहते हैं, एपिफिजियल प्लेट भी कहते हैं, ये एक एग्जांपल है हमारे पास सिनकोंड्रोसिस की, ठीक है। इसी तरह सेम हमारे पास, ठीक है, एक तो एपिफिजियल प्लेट वाली एग्जांपल आ गई, उसके अलावा हमारी स्कल और फेस की जो बोन्स हैं इथमॉइड और स्फिनॉइड बोन्स, ये भी इसी तरह की होती हैं कि दरमियान में थोड़ा सा कार्टिलेज होता है। सिम्फाइसिस की बात करें, सिम्फाइसिस तो जैसे कि हमारी बॉडी में एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यहाँ सिनकोंड्रोसिस में हम लोगों ने देखा था हाईलाइन कार्टिलेज था, यहाँ पे हमारे पास फाइब्रस कार्टिलेज होता है, दो बोन्स के दरमियान फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, सिम्फाइसिस में, या फिर एक कोई डिस्क प्रेजेंट होगी, फाइब्रस कार्टिलेज या फिर डिस्क, ठीक है। वहाँ पे मूवमेंट्स नहीं थी, यहाँ पे लिमिटेड मूवमेंट्स होती है या थोड़ी सी मूवमेंट्स को ये अलाउ करते हैं, ठीक है, अलाउ स्मॉल सम डिग्री ऑफ मूवमेंट्स या सम मूवमेंट्स या लिमिटेड मूवमेंट्स कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टेम्परेरी जॉइंट्स थे, ये जॉइंट जो है ना परमानेंट होते हैं, ये रिप्लेस नहीं होते। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे हमारी वर्टिब्रल बोन्स है ना, तो सेक्रल रीजन में जाके ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, तो डिस्क खत्म हो जाती है वहाँ पे सेक्रल कॉकेक्स में, तो ये वहाँ पे टेम्परेरी हो सकते हैं, ठीक है, वरना परमानेंट होते हैं। उसके अलावा जैसे इसको हम लोग ने प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट कहा था सिनकोंड्रोसिस को, सिम्फाइसिस को हम लोग सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स भी कहते हैं, सही है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहते हैं। और इसकी अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, ठीक है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आएंगी, आप देखेंगे जहाँ पे डिस्क हो हमारे पास, ऐसी एग्जाम्पल, तो ऐसी कौन सी एग्जाम्पल होगी हमारी बॉडी में। जाहिर बात है दो पेल्विस बोन्स के दरमियान, प्यूबिक बोन्स के दरमियान प्यूबिक सिम्फिसिस एक जॉइंट बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस जो है ना, ये एग्जाम्पल है सिम्फिसिस में। उसके अलावा मेनोब्रियम और स्टर्नम, ठीक है, मेनोब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान एक थोड़ा सा फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इस जॉइंट को भी हम लोग यही कहते हैं कि ये है हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक एग्जांपल मैंने प्यूबिक सिम्फिसिस की लिखी और एक बिटवीन द मेनोब्रियम एंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम, ठीक है, ये दो हमारे पास एग्जांपल हैं। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स की, ठीक है। अब हमारे पास जो फर्दर रहते हैं ना वो साइनोवियल जॉइंट्स रहते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।